नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आईएसआईएस से संबंध के संदेह में यूएई ने 4 भारतीयों को लौटाया। संयुक्त अरब अमीरात ने सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ कथित संबंध के संदेह में 4 भारतीयों को भारत वापस भेज दिया और उम्मीद है कि शीघ्र ही कुछ और लोग वापस भेजे जा सकते हैं। यह कदम आतंकवाद के खिलाफ इस खाड़ी देश के साथ बढ़ते सहयोग का परिणाम माना जा रहा है। इन भारतीयों का प्रत्यर्पण ऐसे समय हुआ जब संयुक्त अरब अमीरात ने उससे पहले 37 साल की अफसा जबीन उर्फ निकी जोसेफ को वापस भेजा था। वह युवक को आईएसआईएस में भर्ती करने में कथित रूप से शामिल थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिन 4 लोगों को भारत भेजा गया उन्हें कोझिकोड व तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों पर पहुँचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। 4 ऐसे और संदिग्ध शीघ्र ही सऊदी अरब से आएंगे। आरएसएस ने कहा, सांप्रदायिक है उपराष्ट्रपति अंसारी का भाषण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति को निशाने पर लिया है। मुसलमानों के सशक्तिकरण, शिक्षा एवं सुरक्षा के बारे में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा मजलिस ए मुशावरात के जलसे में दिए गए भाषण को निराशाजनक बताते हुए आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के संपादकीय में कहा गया कि तमाम बुद्धिजीविता के लबोलुआब के बावजूद यह एक सांप्रदायिक मुस्लिम नेता का भाषण लगता है। आरएसएस का कहना है कि देश के उपराष्ट्रपति को सभी समुदायों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, न कि समुदाय विशेष की। संपादकीय के अनुसार मुस्लिम बहुल जम्मू और कश्मीर से जाने पर हिंदू अल्पसंख्यकों को मजबूर होना पड़ा, लेकिन किसी हिंदू बहुसंख्यक राज्य ने मुस्लिमों के साथ ऐसा नहीं किया। इस संदर्भ में अजीब बात यह है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने केवल एक ही समुदाय की सुरक्षा की बात की। संघ के मुखपत्र में कहा गया कि अंसारी ने मुस्लिम सुरक्षा का मुद्दा उठाया। क्या वह ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को बहुसंख्यक समुदाय से खतरा है? वह शायद दंगों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दंगों को मुख्य रूप से अल्पसंख्यक हवा देते हैं और जब बहुसंख्यकों की प्रतिक्रिया होती है तो इसे मुस्लिम सुरक्षा का विषय बताया जाता है। बिहार में कांटे की टक्कर, भाजपा ने 43 उम्मीदवार घोषित किए। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सूची जारी करते हुए कहा कि इनमें से 50% से अधिक उम्मीदवार महिलाएं और युवा है, जबकि करीब 60% उम्मीदवार अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गो के है। नड्डा ने कहा कि हमने सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री के साथ सभी दूसरे सीईसी सदस्य शामिल हुए। दूसरी ओर एक एबीपी नीलसन ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में कांटे की टक्कर के आसार है, जिसके चलते एनडीए को 118 और जदयू राजद गठबंधन को 122 सीटें मिलने के आसार है। हालांकि खुद जेडीयू के हर दस्तक सर्वे में ज्यादातर लोग नीतीश कुमार को एक बार फिर मौका देने के पक्ष में नहीं है।